फैसला सुना दीजिए योर ऑनर, ये एक साइको किलर है और इसकी सजा फांसी। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि काशी ने ही अभिमन्यु का मर्डर किया है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कितने पैसे दिए बलवंत? हाँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, इट्स माय जॉब। काशी, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? हाँ, हमने ही मारा अभिमन्यु को, छत से फेंक दिया साले को, क्योंकि उसने हमारी बहन के साथ गलत किया था। लेकिन हमसे चूक हो गई जज साहब, हमको लगा कि हमारी बहन का गुनहगार अभिमन्यु है, लेकिन हमारी बहन को तो बलवंत ने मारा है। काशी भैया, गंगा आई थी उस दिन बलवंत साहब से मिलने, उन्होंने ही बुलाया था, हम तो बाहर ही खड़े थे। अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, फिर हमने देखा कि बलवंत साहब ने उसे बालकोनी से धक्का दे दिया, फिर लाश ठिकाने लगा दिया। हमें तो लगा कि उसकी इज्जत भी लूट ली थी। बड़ा कमीना आदमी है बलवंत। काशी भैया, ये बात किसी को बताइएगा नहीं कि हमने आपको ये बात बताई है, नहीं तो बलवंत हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। साला, पहले मेरे बेटे को मारा, अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं, सच बता रहे। और जब तक तुमको मारेंगे नहीं ना, तब तक हम चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। ऑर्डर, ऑर्डर। तू हमको मारेगा साला पागल, तेरी इतनी जुर्रत, अच्छा होगा कि तेरी बहन नहीं है, अगर होती तो उसे ऐसी मौत देता कि दुनिया देखती तमाशा। ए बलवंत! अरे पुलिस, रोको इसे! अरे क्या हुआ? अरे आता हूँ, आता हूँ। नाश्ता तो करते जाओ। तो किधर जा रहे हैं? अरे भैया, काहे परेशान हुआ, परमिशन हो हमारे पास। ठीक है। हो गया काम, चलिए। काशी, ए काशी, क्या बात है गुरु, तेरे नाम पिक्चर के राधे लग रहे हो, डिट्टो। अच्छे भले आदमी को पगला बना दिया। वो क्या बोला था अंग्रेजी में, साइको किलर? अबे तुमको तो खुश होना चाहिए, बड़का बड़का फिल्म के हीरो लोगों को ये उपाधि नहीं मिलता है। माँ बाबा का कोई खबर? माँ बाबा मंदिर मंदिर घूम रहे थे तुम्हारे लिए, वापस आ गए हैं। एक ठो बात पूछे? ना कहेंगे तो का नहीं पूछोगे? एक बात बताओ। हाँ? माँ गंगा बाबा से सच्ची मिले हो ना तुम? सच्ची मिले हैं यार, कैसी बात कर रहे हो? ना जाने, जरा डाउट सा हो रहा है। ए खासी, पगलवन के चक्कर में सही तो नहीं ना पगला गए हो? बताओ माँ कैसी दिखती है? माँ, इका सवाल पूछ रहे हो यार? बताओ ना कैसी दिखती है माँ? माँ, माँ बूढ़ी है। हाँ। वो आगे के बाल पक गए हैं। हाँ। और गोरी गोरी है। ठीक है, गए। हाँ। लेकिन उसके आगे के दू दांत नहीं, वो तो देखे हो ना? अरे भाई, उम्र के साथ दांत साथ छोड़ देते हैं। देखे हो कि नहीं? बिल्कुल देखे हैं यार। माँ के दांत है रंगीला।
अरे भाई, तुम अपने जिस बहन गंगा को इतने दिन से ढूंढ रहे हो वो तो ये रही। लो ये देखो, और इसके चक्कर में तुमने मेरा क्या हाल कर दिया यार। अरे जरूर है आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ये गंगा नहीं, ये देवीना है। अरे नहीं भाई, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, ये तुम्हारी बहन गंगा ही है। यही तो मेरे पास आई थी अपने और अभिमन्यु के शादी की अर्जी देने, और उसने अपना नाम गंगा बताया था। इतना खुश मैं कभी नहीं था। सच में जिंदगी में पहली बार हारने पर जश्न मना रहा हूँ मैं। तो सर, अगर हार के भी जीतने का एहसास है तो फिर पार्टी तो बनती है ना। देवीना, दीदी क्या सोच रही हो? आओ ना, लेट्स सेलिब्रेट अवर विक्ट्री। ये लो। चीयर्स टू अवर विक्ट्री। चीयर्स। जीत कर भी हारा हुआ महसूस हो रहा है। पर क्यों दीदी? काशी, I don't know, I'm feeling bad for him. देखो देवीना, हमेशा युद्ध में मरने के लिए प्यादे को ही भेजा जाता है। काशी प्यादा नहीं था। तो दीदी, are you in love with him? देवीना, ये इमोशनल होकर प्यार व्यार में मत पड़ो। माँ मुश्किल से तुम इस केस से बची हो, तुम्हारी जरा से भी लापरवाही हम सबको लेकर डूबेगी। इतनी नजदीकी मुझे किसी और से नहीं हुई है। कब काशी से अटैचमेंट हो गया मुझे, मुझे पता ही नहीं चला। दीदी पर आप क्या करोगी? काशी तो जिंदगी भर के लिए जेल में बंद है ना। मैं निकलवाऊंगी उसे, उसका ट्रीटमेंट वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से करवाऊंगी। दीदी बहुत देर हो चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकती। कभी सोचा है काशी को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? मैं खुद उससे बताऊंगी, वो मुझे माफ कर देगा। काशी, तुमसे कोई मिलने आया है। कैसे हो काशी? हम कैसे, वैसी पगलेट। तुम जानती थी ना, I'm sorry काशी। मैंने तुम्हें बचाने की हर कोशिश की। प्यार करते थे तुमसे, ये सिला दिया। अच्छा खासा जी रहे थे हम, जिंदगी तबाह कर दी हमारी। क्या है क्या है? मैं बनारस एक मकसद से आई थी और मुझे तुम दिखे।